हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम द्विपद बंटन का माध्य और प्रसरण ज्ञात करना सीखेंगे, यानी मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल थ्योरम। तो इससे रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला आज की क्लास में हम लोग प्रूव करने वाले हैं। द्विपद बंटन में, यानी कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से द्विपद बंटन में यादृच्छ चर लेकर हम लोग उसका प्रायिकता बंटन तैयार करते हैं यादृच्छ चर एक्स के लिए, याद है, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम लोग उसी प्रायिकता बंटन का माध्य कैसे निकलेगा, यानी कि उस द्विपद बंटन का माध्य कैसे निकलेगा, इससे रिलेटेड फॉर्मूला पहले देखने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग याद होना चाहिए आपको कि माध्य के लिए, पहले हम लोग माध्य के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। माध्य यानी मीन के लिए, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि माध्य को हम लोग म्यू से डिनोट कर देते हैं और इसके लिए होता है सिग्मा एक्स आई पी आई, याद है, एक्स आई पी आई। ये हम लोग इसी तरह से ना इसको लिखते हैं जी, माध्य के लिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं किसके लिए, तो यादृच्छ चर एक्स के जो प्रायिकता बंटन हम लोग तैयार करते थे उसका माध्य निकालने के लिए हम लोग यही फॉर्मूला पढ़े हुए थे, याद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर द्विपद बंटन में ये एक्स आई जो यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक्स और यहाँ पे उसकी संगत बरम्बरताएं, तो इसमें एक्स का वैल्यू क्या होता है, आर होता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक, एन तक हम लोग लेते हैं, और उनकी संगत प्रायिकताएं जो लेते हैं ये पी एक्स इक्वल टू आर, ये इसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं द्विपद बंटन में, याद है आपको, एन सी आर पी का पावर आर और इंटू में क्यू का पावर आपका क्या, एन माइनस आर, याद है आपको। तो चलिए हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि जहां एक्स आई किसके इक्वल है, तो एक्स आई जो है आर के इक्वल है, और यहां पी आई क्या है, तो पी आई यहां पर ये क्या हो जाएगा, एन सी आर पी का पावर आर इंटू में क्यू का पावर एन माइनस आर। चलिए अब इसमें पुट कर देते हैं, तो माध्य बराबर में हो जाएगा सिग्मा, अब यहां हम लोग क्या लेते हैं आर का मान, जीरो से लेके एन तक ना जाते हैं जी, तो आर का मान जीरो से लेके एन तक जानते हैं, और एक्स आई है आपका आर और पी आई है एन सी आर पी का पावर आर इंटू में क्यू का पावर एन माइनस आर। अब हम लोग इसमें आगे एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं बाइनोमियल से रिलेटेड, है ना, हम लोग पढ़े हुए थे पहले 11th क्लास में, क्या पढ़े हुए थे, तो R इंटू में एन सी आर, इसका हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक में पढ़े थे, N इंटू में N माइनस वन सी यहां पर R माइनस वन, ये इसके इक्वल होता है, तो यहां पे हम लोग वो अप्लाई करने वाले हैं, तो माध्य बराबर में हो जाएगा सिग्मा, अब यहां आर का वैल्यू वन से लेंगे ना, वन से लेंगे एन तक, क्योंकि देखो अगर हम लोग यहां पर आर का वैल्यू जीरो लेते हैं तो जीरो लेने पे निगेटिव ना हो जाएगा, इसलिए आर का वैल्यू वन टू एन क्या हो जाएगा, इसकी जगह अप्लाई करेंगे तो एन इंटू में एन माइनस वन सी आर माइनस वन इंटू में पी का पावर आर और क्यू का पावर एन माइनस आर। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग n कॉन्स्टेंट है बाहर कर लेते हैं और यहां से एक p भी बाहर निकालते हैं, तो n और p बाहर निकाल लेते हैं, तो सिग्मा r का वैल्यू 1 टू n n माइनस वन सी आर माइनस वन और यहां पर हो जाएगा p का पावर r माइनस वन, क्योंकि p हमने एक बाहर ले लिया है, चलिए इंटू में q का पावर n माइनस आर। अब देखिए n p इक्वल इंटू में सिग्मा r इक्वल टू में 1 टू n एन माइनस वन सी आर माइनस वन, इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको सेट करने वाले, देखो क्या पी का पावर आर माइनस वन और इंटू में क्यू का पावर एन माइनस वन माइनस का आर माइनस वन, इस तरह से ले लेते हैं। तो अगर आप इसमें आर का वैल्यू वन रखेंगे तो एन माइनस वन सी जीरो पी का पावर जीरो और क्यू का पावर यहां पर आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा यहां पर क्यू का पावर एन, फिर वन रखेंगे, फिर टू रखेंगे, फिर थ्री फोर फाइव ऐसे एन तक रखेंगे, तो एक्चुअल में यह किसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखेगा, तो यह आपका किसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, तो क्यू प्लस पी का पावर एन माइनस वन का विस्तार दिखेगा। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये इसके विस्तार के इक्वल होगा, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लगा के अगर इसका विस्तार करेंगे तो ये इसके सम के इक्वल होगा। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि किसी घटना की सफलता और सफलता न होने की प्रायिकता का योग एक होता है,
तो यहाँ पर n इंटू पी और इंटू इसका वैल्यू है 1, 1 का पावर n माइनस 1, 1 ही होगा, यानी कि n इंटू पी आपकी क्या आ जाएगी, माध आ जाएगा। तो n यहाँ पर क्या है, कितने बार उस परिणाम को दोहराया, परिणाम को किया गया है, और p क्या है, सफलता की संख्या है, है ना, सफलता की प्रायिकता है, प्रत्येक सफलता की प्रायिकता दी हुई। तो गुणा कर देंगे तो हमें माध प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ से पता चल गया कि माध निकालने के लिए, माध निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एन पी। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रसरण की बात करते हैं। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे प्रसरण देखते हैं। प्रसरण अगर आपको पता चल जाएगा तो मानक विचलन के लिए अब अलग से कुछ सोचना नहीं है, उसी का रूट निकाल देने पर हो जाता है ना जी। चलिए तो हम लोग यहाँ पर पढ़े हुए हैं प्रसरण के लिए, प्रसरण को हम लोग छोटा सिग्मा के स्क्वायर से डिनोट करते हैं। एक्चुअल में ये किसके इक्वल होता है, तो सिग्मा एक्स आई माइनस के माध्य का स्क्वायर इंटू में पी आई। तो यहाँ आपको पता ही है यहाँ पर एक्स आई क्या है, तो एक्स आई जो है आर के इक्वल है, तथा पी आई क्या है, तो इसका वैल्यू आप जानते हैं एन सी आर, अभी देखे हैं पी का पावर आर क्यू का पावर एन माइनस आर, यही नंबर है जी पी आई। चलिए तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, तो यहाँ सिग्मा क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू जीरो से लेके एन तक, एक्स आई का वैल्यू आर माइनस माध्य का स्क्वायर। तो माध्य हम लोग जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, अभी हमने प्रूफ भी करके देखा था, माध्य इक्वल टू में क्या देखा है आपका एन पी, तो इस एन पी को ही रख देते हैं, यहाँ ठीक रहेगा, और फिर यहाँ पे माध्य के जगह पी आई की जगह पे ही आ जाएगा एन सी आर पी का पावर आर इंटू में क्यू का पावर एन माइनस आर। क्लियर है, चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सिग्मा आर इक्वल टू जीरो टू एन, यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस का टू एन पी आर और प्लस का एन स्क्वायर पी स्क्वायर और इंटू में आपका एन सी आर पी का पावर आर इंटू में क्यू का पावर एन माइनस आर। अब सब में अलग अलग यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर, अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा सिग्मा आर इक्वल टू जीरो टू एन आर स्क्वायर इंटू में एन सी आर पी का पावर आर इंटू में क्यू का पावर एन माइनस आर। फिर आपका देखिए माइनस टू एन पी, ये कॉन्सेंट है बाहर कर लेते हैं, सिग्मा आर इक्वल टू जीरो टू एन, यहाँ पे आर बचेगा और इंटू में आपका एन सी आर पी का पावर आर और क्यू का पावर एन माइनस आर। ठीक है, और फिर प्लस का एन स्क्वायर पी स्क्वायर सिग्मा आर इक्वल टू जीरो टू एन एन सी आर पी का पावर आर और क्यू का पावर एन माइनस आर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ देखते हैं, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आगे देखते हैं इसके। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते कि नहीं, सिग्मा आर इक्वल टू जीरो टू एन, एक आर को ऐसे रखते हैं और एक आर इसके साथ ले लेते हैं आर इंटू में एन सी आर, और फिर हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और इंटू में यहाँ पी का पावर आर इंटू में क्यू का पावर एन माइनस आर, माइनस माइनस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा टू एन पी, टू एन पी और इंटू में ये जो हम लोग देख रहे हैं ये हम अपनी माध्य के लिए देखे थे ना, ये माध्य ही है, टू एन पी इंटू में एन पी हो जाएगा और प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, एन स्क्वायर पी स्क्वायर और यहाँ पर ले लेते हैं सिग्मा आर इक्वल टू जीरो टू एन इंटू में एन सी आर इंटू में पी का पावर आर इंटू में क्यू का पावर एन माइनस आर। इतना ठीक है, अब यहाँ पर आर इंटू में एन सी आर की जगह हम लोग एक फॉर्मूला के हिसाब से इसे लिखेंगे, क्या होता है आर इंटू में एन सी आर इक्वल टू होता है एन इंटू में एन माइनस वन सी आर माइनस वन, तो इसी को हम लोग यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो सिग्मा यहाँ पर हो जाएगा अब क्या, तो यहाँ अब हमको लेना होगा आर इक्वल टू वन टू एन, एक आर ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे चेंज हो जाएगा एन एन, यहाँ एन माइनस वन सी आर माइनस वन पी का पावर आर इंटू में क्यू का पावर एन माइनस आर और माइनस का टू एन स्क्वायर पी स्क्वायर।
और प्लस यहाँ देखिए एन स्क्वायर पी स्क्वायर, और एक्चुअल में ये इसको आप विस्तार करेंगे इसका तो ये पी प्लस क्यू का पावर एन का विस्तार होगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, है ना, सिग्मा या 0 1 2 3 एन तक आप रख के चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद, अब देखिए यहाँ से एन और एक पी यहाँ बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ एन पी सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n, यहाँ पर एक आर बच जाएगा, और फिर n माइनस 1 सी आर माइनस 1 पी का पावर, यहाँ पर एक कम हो जाएगा पावर, आर माइनस 1 और इंटू में q का पावर n माइनस आर और माइनस 2 n स्क्वायर पी स्क्वायर, और यहाँ पे पी स्क्वायर वैल्यू तो 1 ना होता तो यहाँ पे n स्क्वायर पी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि p प्लस क्यू का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, घटना घटित होने और नहीं सफलता होने और सफल नहीं होने की प्रायिकता का योग एक ही ना होगा जी। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर एन पी है, सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n है, इसमें क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, आर में 1 सब्ट्रैक्ट किया और ऐड किया, और इनटू में एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 पी का पावर आर माइनस 1 क्यू का पावर एन माइनस आर, और यहाँ माइनस आ जाएगा, सॉल्व होगा तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ना हम लोग इस r माइनस 1 के साथ एक बार ले लेते हैं, एक बार 1 के साथ लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एन पी सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r माइनस 1 इंटू में n माइनस 1 सी आर माइनस 1 पी का पावर r माइनस 1 इंटू में q का पावर n माइनस 1, और फिर प्लस एन पी सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, ये 1 के साथ लेंगे तो यही ना आ जाएगा आपका n माइनस 1 सी आर माइनस 1 पी का पावर r माइनस 1, और फिर यहाँ पे हो जाएगा q का पावर n माइनस आर और माइनस का n स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर हम लोग अभी जो हम लोग ऊपर ये प्रॉपर्टीज एक लगाए थे ये वाला, उसी को यहाँ पे अप्लाई करते, देखो यहाँ r माइनस 1 है, r माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब तो अब आ जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा, उसी हिसाब से n माइनस 1 आ जाएगा, एन पी सिग्मा आर इक्वल टू यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू यहाँ पर अब क्या ले लेंगे तो 2 से लेके लेंगे n तक, और अब क्या हो जाएगा यहाँ n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 सी आर माइनस 2 पी का पावर r माइनस 1 इंटू में q का पावर n माइनस आर। ठीक है, और प्लस प्लस यहाँ पे देखिए एन पी, ये आपका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं ये आपका किसका दिख रहा है, तो ये पी प्लस क्यू का पावर, पी प्लस क्यू का पावर एन माइनस वन का, है ना जी। चलिए, और फिर ये अलग है, देखना ये इससे अलग है। ठीक है, और फिर माइनस का ये एन स्क्वायर पी स्क्वायर। अब आगे देखिए, यहाँ से हम लोग n माइनस वन बाहर ले लेते हैं और एक p भी बाहर ले लेते हैं, तो n यहाँ p स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में n माइनस 1 सिग्मा r इक्वल टू 2 से n n माइनस 2 सी आर माइनस 2, और यहाँ p का पावर एक और कम हो जाएगा r माइनस 2 और q का पावर n माइनस आर। अच्छा, अब इसके बाद देखिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे एन पी और माइनस का एन स्क्वायर पी स्क्वायर। बात को समझे ना, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है, ये r माइनस 2 है। ठीक है, अच्छा ये इसको थोड़ा सा सेट करना होगा, एन पी स्क्वायर इंटू में n माइनस 1 सिग्मा r इक्वल टू 2 से n n माइनस 2 सी आर माइनस 2 और p का पावर r माइनस 2, और यहां पर क्या कर लेते हैं q का पावर n माइनस 2 माइनस r माइनस 2, एक ही बात होगी, सॉल्व करने पे यही आ जाएगा, प्लस का एन पी माइनस का एन स्क्वायर पी स्क्वायर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये किसका हो जा रहा है, ये किसका विस्तार आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपका पी प्लस क्यू का पावर एन माइनस टू का विस्तार है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एन पी स्क्वायर इंटू एन माइनस वन, और ये पी प्लस क्यू का पावर एन माइनस टू का विस्तार है, और प्लस का एन पी माइनस का एन स्क्वायर पी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, बच जाएगा आपका एन पी स्क्वायर इंटू में एन माइनस 1 प्लस का एन पी माइनस का एन स्क्वायर पी स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए इसमें हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का यहाँ पे एन पी का स्क्वायर और प्लस का
एन पी और माइनस का एन स्क्वायर पी स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा। इन दोनों में से हम लोग अगर मान लो n और p कॉमन कर लेते हैं, n और p कॉमन, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस p, तो हम लोग जानते हैं कि q इक्वल टू में होता है 1 माइनस का p, ये होता है। तो यहाँ से अब यहाँ पे प्रसरण के लिए, प्रसरण के लिए क्या हो जाएगा, n p, n p और इसकी जगह आ जाएगा q, तो प्रसरण के लिए n p q। तो अगर मानक विचलन निकालना होगा, मानक विचलन निकालना होगा, तो बस इसी का ना रूट कर देंगे, रूट अंडर एन पी क्यू। तो क्लियर हो गया किस तरह से निकालना। तो फिलहाल इस वीडियो में ही तक, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि कांत सर, भारती भवन रवि कांत सर, भारती भवन रवि कांत सर। और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।